स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने संयुक्त राष्ट्र में आरएसएस और योगी आदित्यनाथ पर ही हमला बोल दिया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी राजनयिक साद वरीच ने कहा है कि भारत में आरएसएस की शाखाओं में फासिज्म सिखाया जा रहा है, भारत में ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। राजनयिक साद वरीच ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी संयुक्त राष्ट्र में उछाला और कहा कि जहां एक हिंदू अतिवादी भारत के सबसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा है जो खुलेआम हिंदू श्रेष्ठता की बात करते हैं, जिस पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम घूमते हैं, ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, धन की उगाही करते हैं, वही पाकिस्तान भारत पर लांछन लगाने से बाज नहीं आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि योगी आदित्यनाथ हिंदू अतिवादी है। The breeding ground of terrorism in our region are the RSS centers of fascism. The claims of religious superiority are perpetrated through straight patronage all across India. For a country where members from India's minority, including Christians and Muslims, are publicly lynched at the hands of Hindu zealots, where an unabashed Hindu extremist Yogi Adityanath, who openly advocates religious superiority of the Hindus, serves as the face of the largest Indian state, Uttar Pradesh, तो देखा आपने किस तरह बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, कैसे आरोप लगा रहा है भारत पर। संयुक्त राष्ट्र में उछाला है आरएसएस और योगी आदित्यनाथ का नाम। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की ओर से लगाए गए आरोपों का भारत ने करारा जवाब दिया है। राइट टू रिप्लाई के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत की दूत ईनम गंभीर ने कहा है कि इमरान खान की नई सरकार पुराने सांचे में ढाली गई नई सरकार है जिसे न्यू पाकिस्तान का नाम दिया गया है। पाकिस्तान आज भी संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में शामिल 132 आतंकियों और 22 आतंकी संगठनों को पनाह दिए हुए है। हाफिज सईद जैसा ग्लोबल आतंकी खुलेआम रैलियां करता है और चुनावों में अपने उम्मीदवारों को लड़वा रहा है। कैन पाकिस्तान डिनाई द फैक्ट दैट इट इज द होस्ट एंड पैट्रन ऑफ 132 ऑफ द यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट and 22 terrorist entities sanctioned under the 1267 and 1988 UN Security Council sanctions regime as of today? Will Pakistan deny that UN-designated terrorist Hafiz Saeed enjoys a free run inside Pakistan, spews venom, and sets up candidates for electoral offices? Mr. President, we have also noticed an effort of the new Pakistan to champion human rights. This is vintage verbal duplicity. पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत पर पेशावर के स्कूल पर हमला कराने का आरोप लगाया है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के इस आरोप का क्या जवाब दिया गया, सुनिए। Amongst the most outrageous were the preposterous allegation relating to the horrifying terror attack on Peshawar school 4 years ago. Let me recollect for the new government of Pakistan the outpouring of sorrow and pain in India that followed the massacre of innocent children in 2014. Both houses of India's parliament had expressed solidarity while paying respect to the memory of those killed. Schools all over India had observed 2 minutes of silence in their memory. It is a desperate attempt to look away from the monster of terror that Pakistan has itself created in its quest to destabilize its neighbors and covet their territory. तो पाकिस्तान ने भारत पर घिनौना आरोप लगाया जिसका भारत ने दिया है मुंहतोड़ जवाब। कल यूएन में भारत ने पाकिस्तान की पोल खोली तो बौखलाए पाकिस्तान ने पहले तो तंगधार और केरन सेक्टर में सीजफायर उल्लंघन किया। सुषमा के हमले से झुंझलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के सामने भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भपकी भी दी और इसके बाद आज सुबह पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर एक पुलिस वाले की जान ले ली। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की झुंझलाहट कितनी ज्यादा है। कल संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई, दुनिया के सामने बेनकाब किया तो किस तरह बौखला गया है पाकिस्तान, इन चार तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, वहीं शोपिया में एक पुलिस स्टेशन पर हुआ है आतंकी हमला, वहीं आरएसएस और योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है पाकिस्तान ने और परमाणु हमले की धमकी तो पहले ही दे चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारत को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की गीदड़ भपकी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर
भारत ने LOC को लांघा या लिमिटेड वॉर जैसी हिमाकत की तो उसे पाकिस्तान के भरपूर पलटवार को झेलना होगा। कुरैशी ने कहा कि दक्षिण एशिया में परमाणु संतुलन की बात की जाती है, लेकिन पाकिस्तान का क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का तकाजा है कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना करने की गारंटी नहीं दे सकता। वो दिखा दिया है। इस तस्वीर में पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्री नूर उल हक कादरी आतंकवादी हाफिज सईद के साथ बैठे हुए हैं। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल ने रविवार को पाकिस्तान की सुरक्षा के मुद्दे पर एक सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में इमरान खान के मंत्री हाफिज सईद के साथ एक ही मंच पर बैठे हुए नजर आए। यहां ये नहीं भूलना चाहिए कि हाफिज सईद मुंबई पर हुए 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड है, यानी इमरान खान के मंत्री अब हाफिज सईद के साथ सियासत वाली डेटिंग कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस कार्यक्रम के कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशंस में अपने भाषण में आतंकवाद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन सच यह है कि खुद पाकिस्तान के एक मंत्री आतंकवादियों के साथ एक ही मंच पर बैठते हैं और बातचीत या फिर उर्दू में कहें तो गुफ्तगू करते हैं। 29 सितंबर को भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में कहा था कि 26/11 का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में खुलेआम रैलियां करता है, चुनाव लड़ता है और धमकियां देता है, और उनकी इस बात का सबूत खुद पाकिस्तान ने 2 दिनों के अंदर खुद ही पूरी दुनिया को दे दिया। अमेरिका के इतिहास में 11 सितंबर 2001 की घटना सबसे बड़ी आतंकवादी घटना के रूप में देखी जाती है। इसीलिए उस घटना के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और पूरी दुनिया में उसे खोज रहा था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि खुद को अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त बताने वाले देश पाकिस्तान ने ही अपने यहां पनाह देकर उसे छिपा के रखा हुआ था। ये तो अमेरिका के खुफिया तंत्र की सफलता है अध्यक्ष जी कि उन्होंने ओसामा को वहां खोज निकाला, और ये अमेरिका की सैन्य शक्ति की उपलब्धि है कि उन्होंने उन्हें वहीं मार गिराया। 9/11 का मास्टरमाइंड तो मारा गया, किंतु 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी खुला घूम रहा है, रैलियां करता है, चुनाव लड़वाता है, सरेआम भारत को धमकियां देता है। मसला जम्मू कश्मीर का हल न होना खित्ते में पायदार अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। दहशतगर्दी की आड़ में भारत कश्मीर में मुनज्जम कत्लोगारत गरी का सिलसिला जारी न रख सकेगा। इस रिपोर्ट का खैर मतम करते हुए हम इसकी सफारशात पर जल्द अमल दरामद की गुजारिश करते हैं। एक आजाद कमीशन ऑफ इंक्वायरी का कयाम जो कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तफ्तीश करे और जिम्मेदारों का तायुन करे अब नागुजीर हो गया है। विश्व के इनामी आतंकवादी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं, फ्रीडम फाइटर कहे जाते हैं, और उन आतंकवादियों की क्रूरता वीरता कही जाती है। पाकिस्तान की सरकार उनके सम्मान में डाक टिकटें निकालकर उन्हें महिमा मंडित करती है। अध्यक्ष जी, ऐसे कृत्यों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कब तक चुप बैठकर देखते रहेंगे? ऐसे करतूतों की कब तक हम अनदेखी करते रहेंगे? यदि इन हरकतों को कानून बनाकर अभी नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आतंकवाद का ये दानव पूरी दुनिया को निगल जाएगा और इस दावानल में पूरा विश्व जल जाएगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान की मुतवक्की मुलाकात यहाँ अक्वामे मुत्तहिदा में एक अच्छा मौका था तमाम मामलात पर बातचीत करने का। मनफी रवैये की वजह से मोदी हुकूमत ने मौका तीसरी मरतबा गवा दिया। उन्होंने फौकियत दी सियासत को अमन पर। पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यह इच्छा जताई कि न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अगर मुलाकात हो जाए तो अच्छा होगा। हमने उनका प्रस्ताव मंजूर किया, लेकिन चंद घंटों बाद ये खबर आई कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के 3 जवानों का पहले अपहरण किया और बाद में उन्हें मारकर फेंक दिया। क्या ये हरकतें बातचीत की नीयत को दर्शाती हैं? और क्या ऐसे वातावरण में मुलाकात हो सकती है और क्या मुलाकात होनी चाहिए? कभी कभी जब दर्द बहुत गहरा होता है तो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, और पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।
आपको 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के एक मिलिट्री स्कूल में हुए आतंकवादी घटना के बारे में जरूर याद होगा। इस आतंकवादी हमले में 150 लोग मारे गए थे, जिनमें से 134 स्कूली बच्चे थे। पाकिस्तान अब उस दर्दनाक घटना का भी कूटनीतिक इस्तेमाल कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यह आरोप लगाया कि पेशावर में हुई उस आतंकवादी घटना में भारत का हाथ था, यानी भारत ने उन बच्चों को मरवाया। ये भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ है। दुख की उस घड़ी में पूरा भारत पाकिस्तान के साथ खड़ा था। पाकिस्तान के स्कूली बच्चों की आत्मा की शांति के लिए भारत के स्कूलों में मौन रखा गया था, लेकिन भारत की सद्भावना का जवाब भी पाकिस्तान ने दुर्भावना के साथ दिया। ये एक ऐसा बयान है जिसे सुनकर आपको गुस्सा आएगा। ऐसी बकवास बातें आपने पिछले काफी समय से सुनी नहीं होंगी। हम चाहते थे कि हिंदुस्तान के साथ तमाम मामलात, जिसमें दहशतगर्दी भी शामिल है, जो हमारे शहरों और कस्बों में तशद्दुद का बायस है और हजारों बेगुनाह कीमती जानों का ज़िया इसका नतीजा है, पाकिस्तान नहीं भूलेगा पेशावर स्कूल के मासूम बच्चों के कत्लेआम को, मस्तूम में बदतरीन हमले को। इन हमलों के जिम्मेदारों को हिंदुस्तान की पुष्ट पनाही हासिल थी। तो देखा आपने, आतंकवादियों को अपने घर में पनाह देने वाला पाकिस्तान आतंकवाद पर कितनी सफाई से झूठ बोलता है। और दुख की बात यह है कि जब इसी पाकिस्तान का समर्थन करने वाले हमारे ही देश में लोग निकल आते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल किया और यूनाइटेड नेशंस में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी एनएम गंभीर ने पाकिस्तान के इस झूठ को बेनकाब किया। आपको भारत का यह जवाब भी आज ध्यान से सुनना चाहिए। Amongst the most outrageous were the preposterous allegation relating to the horrifying terror attack on Peshawar school 4 years ago. Let me recollect, for the new government of Pakistan, the outpouring of sorrow and pain in India that followed the massacre of innocent children in 2014. Both houses of India's parliament had expressed solidarity while paying respect to the memory of those killed. Schools all over India had observed 2 minutes of silence in their memory. The despicable insinuation made by the Foreign Minister of Pakistan dishonors the memory of the innocent lives lost to terrorists that day. It is a desperate attempt to look away from the monster of terror that Pakistan has itself created in its quest to destabilize its neighbors and covet their territory. Let me make it clear to the new government of Pakistan that the entire state of Jammu and Kashmir is and will remain an integral part of India. संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान का जमकर जवाब दिया। और आपने सुना, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को भारत कह रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने ये भी देखा, आज डीएनए में हमने आपको जो दिखाया, हमारे ही देश के नागरिक, हमारे ही देश के बुद्धिजीवी जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों को कहते हैं, उन्हें बताते हैं कि आजादी कैसे लेनी चाहिए, उन्हें बताते हैं कि आजादी छीन कर लो, उन्हें कहते हैं कि अपने घर से बाहर निकलो, और उन्हें यह भी कहते हैं कि कश्मीर में 200 आतंकवादी भारतीय सेना पर भारी पड़ गए। दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में ही जो लोग मौजूद हैं वो इन लोगों का साथ दे रहे हैं। और हमारे देश में जो कुछ हुआ है, शशि थरूर जो कि खुद संयुक्त राष्ट्र में रह चुके हैं, शशि थरूर ने भी आज ये बयान दिया कि सुषमा स्वराज ने जो बयान दिया था संयुक्त राष्ट्र में, वो असल में बीजेपी को ध्यान में रखकर बयान दिया गया था, और ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। और उनकी पार्टी भी शशि थरूर का ही साथ दे रही, यानी कांग्रेस का भी यही कहना है। I think some of the things that Sushma ji said one can fully appreciate and welcome, but some of the statements were actually a bit disappointing. This was a speech aimed at the BJP voters and sending a message to the voters, particularly on the subject of Pakistan, rather than projecting a constructive and positive image of India in the world. To that degree, it was a disappointing speech. इतने हमले हो रहे हैं, इतने आतंकी हमले कश्मीर की तरफ हो रहे हैं, सीमा पर हो रहे हैं, फोर्सेस पर हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि बेस में आतंकी घुस गए, और ये कई बार
पिछले 4.5 सालों में हमने देखा, पठानकोट में देखा, उरी में देखा और कई क्षेत्रों में देखा, तो इस पे प्रश्न तो उठाना बनता है। तो शशि थरूर ने आपका कहना है जायज पसंद? मैंने देखा नहीं उन्होंने क्या कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नतीजे दिखने चाहिए। कांग्रेस तो पहले से हमें पता है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय है, वो उनके नेता विदेशी हैं, मूल उनका विदेश है, तो पाकिस्तान का हितैषी है कांग्रेस शुरू से। आप इसमें आश्चर्यचकित होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब कोई बोलते हैं और जब सुषमा जी या कोई भी विदेश मंत्री हो, वो हिंदुस्तान की एक निरंतरता का पक्ष होता है, उसमें हमें इस बात ये बात दिख सकती है कि ये भी होना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूं इसको वही रखना चाहिए। शशि थरूर जो हिंदू पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करते थे, आज साक्षात पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आने लगे। कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की भाव, भाषा और शैली बिल्कुल एक सा नजर आने लगता है। कल यानी 30 सितंबर को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर पाकिस्तान के एक हेलीकॉप्टर ने भारत की हवाई सीमा का उल्लंघन किया था। यह घटना कल दोपहर 12:10 पर हुई। पाकिस्तान का यह हेलीकॉप्टर भारत की सीमा के अंदर 5 मिनट से भी कम समय तक रहा। भारत की सेना ने तुरंत छोटे हथियारों से इस पर फायरिंग की, जिसके बाद यह फौरन अपनी सीमा में लौट गया। अब पाकिस्तान इस मामले पर भी झूठे आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इस मामले में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है और यह आरोप लगाया है कि हेलीकॉप्टर आजाद कश्मीर की सीमा के अंदर ही मौजूद था और भारत की तरफ से हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान यह भी आरोप लगा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में आजाद कश्मीर के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर बैठे हुए थे और भारत ने उन पर हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान पहले सीमा का उल्लंघन करता है, उसके बाद झूठा आरोप लगाता है। पाकिस्तान की चालबाजियों की यह कोई पहली घटना नहीं है और बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। आज पाकिस्तान को इस घटना के बारे में भी याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि जब भारत का एक मुख्यमंत्री विमान के जरिए कहीं जाता है और पाकिस्तान के पास यह मौका आया, तो उन्होंने कोई एक भी चूक नहीं की और भारत के उस मुख्यमंत्री की हत्या कर दी। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। ये घटना 19 सितंबर 1965 की है। गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता अपनी पत्नी सरोज बेन, अपने 3 सहयोगियों और एक संवाददाता के साथ विमान द्वारा अहमदाबाद से मीठापुर जा रहे थे। ये करीब 400 किलोमीटर की दूरी थी। दोपहर 3 बजे उन्हें मीठापुर पहुंचना था। मीठापुर भारत और पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया। रेडार द्वारा भारत की वायुसेना को तुरंत जानकारी मिल गई और जैसे ही हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के 8 किलोमीटर के रेडियस में आया, भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को तुरंत कार्रवाई के लिए अलर्ट कर दिया गया। लेकिन भारत ने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध की नौबत आए। अब एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम भारत की स्वच्छता का एक जायजा लेंगे और आपको स्वच्छ भारत अभियान के सैनिकों से मिलवाएंगे। ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी के सपने को साकार कर रहे हैं।